इंदौर के तुकोगंज थाना पुलिस ने इवेंट मैनेजर युवती की शिकायत पर एक युवक को गिरफ्तार किया है। पीड़िता ने दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने की शिकायत की है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी युवक ने उस पर धर्म बदलने का दबाव भी डाला। पीड़िता ने शिकायत में बताया कि वह आरोपी को 2.5 साल से जानती है। आरोपी ने घर में अकेला देखकर उसके साथ रेप किया और फिर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया, ब्लैकमेल किया। पुलिस ने हिंदुवादी संगठन की मदद से आरोपी को हिरासत में लिया है और मामले की जांच की जा रही है। थाना तुकोगंज क्षेत्र की रहने वाली महिला हैं जो इवेंट ऑर्गेनाइज का काम करती हैं, तो इनके द्वारा कल ये FIR कराई गई है कि पहले से ये इनको जानती थी लड़के को 1.5-2 साल पहले। तो 11 नवंबर 2022 में इनका सेपरेशन हो गया था। अभी जो उन्होंने रिपोर्ट लिखाई उसमें बताया कि 14 फरवरी को लड़का फिर उनके पास आया और उनसे पैचअप किया। पैचअप करने के बाद ये दोनों साथ रहने लगे, फिर ये फिजिकल रिलेशन भी बने हैं इनके। और फिर लड़के ने ये कहा इनसे कि तुम मेरे धर्म में आओगी तो ही मैं तुमसे शादी करूँगा। तो दोनों अलग अलग धर्म के हैं, जिसमें आरोपी का नाम अमान, पिता कलीम, सरनेम जाटू है और ये शिव शक्ति नगर MIG थाने में रहता है।